हेलो, कैसे हैं सब लोग? क्या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं? क्या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? यस, अ बिग यस, हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। एक्चुअली हम अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं। जब हम पैदा होते हैं, क्या भगवान कोई पर्ची बना के भेजते हैं हमारे साथ? नहीं ना। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हमारे आने से पहले ही सब डिसाइडेड है? तो फिर यहाँ पे आने का क्या मतलब है कि हम कुछ दिल से करना चाहते हैं पर वो कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारे किस्मत में नहीं है? इज दैट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जब कोई ऐसा बोलता है वो गलत होता है। वो गलत नहीं है। अगर आप वो मान लेते हो तो वो सच होगा, वही होने वाला है। क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है इतना पावरफुल है कि हम जो सोचते हैं वही सच हो जाता है। मैं मैक्सिमम टाइम ये बोलती हूँ कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करो, क्योंकि हम जो बोलते हैं वही हम करते हैं, हम जो बनते हैं वही हम पाते हैं। हम जब पॉजिटिव सोचते हैं वो एनर्जी हम यूनिवर्स में भेजते हैं और वही एक्शन बन के हमारे लाइफ में उतर आता है। अभी किस्मत क्या है? किस्मत हमारा कर्मा ही होता है और हमारे कर्मा हमारे सोच से बनता है। आप जो भी सोच रहे हो वही कर्मा बनता है और वही एक्शन बन के हमारे लाइफ में उतर आता है। इसलिए पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव कर्मा बनेगा, नेगेटिव सोचोगे तो वो नेगेटिव कर्मा बनेगा और वही सच हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप पॉजिटिव सोच के अपनी किस्मत बदल सकते हो, अपनी किस्मत बना सकते हो। लोग बोलते हैं कि मेरी किस्मत में तो ये है ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकता। और सच में वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना प्रोग्रामिंग ऐसे बना लिया, माइंडसेट बना लिया ऐसा कि वो नहीं हो सकता, वो हम नहीं कर सकते, तो वो कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अगर आप सोचते हो मुझे ये चाहिए चाहिए, मुझे ये करना है पाना है, डेफिनेटली आप कर लोगे। वो कहते हैं ना, आप शिद्दत से कुछ करते हो, कोशिश करते हो तो पूरी कायनात लग जाती है आपके पीछे, समथिंग लाइक दैट। एंड यस, ऐसा ही होता है, यही होता है। क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है और इतने बड़े यूनिवर्स में हमारे जो सपने होते हैं, जो हम चाहते हैं ना, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। वो बैठा है देने के लिए हमारे लिए, रुका है कि तुम कब आओगे, मांगोगे, लेके जाओ। हम ही नेगेटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव सोच के बैठे रहते हैं, हम कोशिश तक नहीं करते, फिर वो हमको कैसे देगा? यूनिवर्स के लिए कोई बड़ी बात नहीं हमारे सपने पूरे करना, बहुत छोटी बात है। पर हम हार जाते हैं, हम ही नेगेटिव सोचते हैं। समझ लो, एक नेगेटिव थॉट आपकी किस्मत खराब कर सकती है, आपकी लाइफ खराब कर सकती है। बिकॉज मैंने देखा है, वो कोई अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन में बुरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है तो लॉन्ग टर्म तक उसके साथ नेगेटिव होता जाता है, बैक टू बैक। क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट है इतना पावरफुल है, वो अपना एरिया बढ़ा लेता है। आपने नेगेटिव सोचा, वही एनर्जी आपने भेजा यूनिवर्स में, और उसके बाद फिर से कुछ और नेगेटिव होता है, फिर से कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होता है, फिर फैमिली में प्रॉब्लम होता है, फिर आपका जो एनर्जी है वो इतना लो हो जाता है कि उस सिचुएशन में कुछ नेगेटिव लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फिर वो लोग आते हैं, फिर और कुछ बोलते हैं, फिर आप और नेगेटिव हो जाते हैं और वो चलता ही जाता है सिलसिला। आप उससे बाहर आ ही नहीं पाते हो और फिर आप सोचते हो कि मेरे तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि आप नेगेटिव थे, आप नेगेटिव सोच रहे थे। आपने अगर अपने दिमाग में यही प्रोग्रामिंग बना लिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा ही है, तो वैसा ही होगा ना। अच्छा कैसे होगा? हमको अपनी सोच बदलनी है, हमको कंट्रोल करना है खुद को नेगेटिव सिचुएशन में जाने से पहले। क्योंकि आप जब इस हद तक नेगेटिविटी में चले जाते हो, फिर आपका इम्यून सिस्टम भी खराब होता है और फिर आप एक नई बीमारी को जन्म देते हो।
होता है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तब मैं हाँ छोटी थी, ज़्यादा तभी समझ में नहीं आता था चीज़ें। और फिर जो हमारे क्लोज होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं, वो लोग भी काफ़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट होते हैं उस चीज़ से। जब आप इस तरीके से फंस जाते हो नेगेटिव सिचुएशन में, आप समझ रहे हो जो आपके बहुत क्लोज है उनके ऊपर किस तरह का इफ़ेक्ट होता है। अपनी लाइफ को ख़राब मत करो, एक नेगेटिव थॉट विल स्पॉइल योर लाइफ। मत करो अपनी लाइफ ख़राब। आई एम टेलिंग दिस अगेन एंड अगेन, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, क्योंकि आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, वही हमारा कर्मा बनता है, वही एक्शन बन के हमारे लाइफ में उतर आता है। प्लीज़ प्लीज़ पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कर्मा बनाओ और अपने सपने पूरे करो, अपनी किस्मत बदलो। कौन बोलते हैं आपकी किस्मत नहीं बदलेगी? क्योंकि अगर आप, आपको किसी ने बोला कि ये नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है किस्मत में, पर कहीं ना कहीं आप अंदर से वो बिलीव नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर गट फीलिंग है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, देन यस आप सही ट्रैक में जा रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है तो यस मतलब वो आप कर सकते हो। आप कोशिश करो, फोकस करो, आप कर लोगे वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एक मोबाइल चाहिए, आप अभी अगर सोचते हो कि इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास, मैं कैसे मोबाइल लूँगा, तो वो आप कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि कोई रास्ता सामने आएगा ही नहीं। आपने अपना प्रोग्रामिंग बना लिया माइंड का, कैसे होगा। पर आप अगर ये सोचते हो कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, कैसे भी करके, कुछ भी करके मुझे ये चाहिए, मैं कोशिश करूँगा, आपके सामने 100 रास्ते आ जाएंगे, 100 रास्ते मिलेंगे आपको, और आज नहीं तो कल आप वो मोबाइल ले ही लोगे। मैंने एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल दिया है, आपको खुद नहीं पता आप कितने औसम हो, आपको खुद नहीं पता आपके अंदर कितना पावर है, कितना पावर है। आपका सपना कितना भी बड़ा हो, आप वो पूरे कर सकते हो, आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, क्योंकि आपने जो सपना देखा वो आपका है, वो सपना तोड़ने का हक भी सिर्फ आपको ही है, कोई और नहीं कर सकता। आपकी किस्मत के मालिक आप खुद होते हो, तो कोई और सपना कैसे छीनेगा। तो ऐसा मत सोचो कि नहीं हो सकता कुछ भी, किस्मत खराब है, ये सब बिल्कुल भी मत सोचो। अच्छा सोचो, अच्छे सपने देखो, अपने सपने पूरे करो, विजुअलाइज करो। आपको जो चाहिए आप ये सोच लो कि आपको वो मिल गया, आपके सामने, आपके पास है। इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, और अगर विजुअलाइज करते वक्त आप मुस्कुराए तो आप समझ लो कि आपको वही चाहिए, और फिर क्या, लग जाओ, आज से ही अपने किस्मत बदलना शुरू करो। मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियोस किस तरीके से काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जो मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि लोग, बहुत लोग हैं जो अपने सोच की वजह से, नेगेटिव सिचुएशन की वजह से बहुत तकलीफ़ है। मैं चाहती हूँ आप लोग सही रास्ता चुनो, अपने साथ ना गलत करो, अपने लाइफ के साथ ना गलत करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, खुश रहो, सही करो अपने साथ। और अगर मेरी वीडियोज़ देख के किसी को भी अगर लगे कि नहीं मुझे अपनी सोच बदलनी चाहिए, किसी के साथ भी कुछ भी अच्छा होता है ना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। और मैं जो ये सब बोल रही हूँ ना, मुझे इतनी खुशी होती है, मुझे इतना अच्छा लगता है ये सब बोल के। तो प्लीज़ आप लोग समझो, मैं जो भी बोलती हूँ वो सब मेरे लाइफ में ऑलरेडी हो चुका है, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं ये सब, इसीलिए मैं बोलती हूँ। तो बिल्कुल भी मत सोचो कि कुछ भी ये पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है, आपके ऊपर है कि आप अपने प्रोग्रामिंग कैसे बनाते हो और कैसे कर्मा बनाते हो और क्या एनर्जी भेज रहे हो यूनिवर्स में। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, अभी से अपनी किस्मत बदलो, खुश रहो, हंसते रहो और कीप स्माइलिंग। तब तक टेक केयर, बाय बाय।